नमस्कार जमात आदि, मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। अपरा एकादशी ये बहुत ही उत्तम एकादशी मानी जाती है, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी। और कहते हैं ये एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि पीक गर्मियों में आती है ये एकादशी। उस समय खूब गर्मी, तड़प करके गर्मी पड़ती है जब हमें इस एकादशी का व्रत करना होता है। और एकादशी के व्रत में वैसे भी बहुत सारे परहेज करने चाहिए हमें, लेकिन ये एकादशी आपके स्वास्थ्य को ठीक करती है। वहीं एक तरह का मौसम में जब बदलाव होता है ना, पीक गर्मी होती है, तो हम लोगों के डाइजेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने लगता है। और अपरा एकादशी का व्रत आपके स्वास्थ्य को ठीक करता है, आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होते, आपकी परेशानियाँ नहीं होती, हेल्थ में सुधार होता है। अगर कुछ लोग ज़्यादा बीमार रहते हों, ज़्यादा परेशान रहते हों, बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हों, बार बार उन्हें सिर्फ दवाइयों पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता हो, तो ऐसे लोगों को अपरा एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं, तो कहते हैं कि अगर नहीं व्रत कर पा रहे हैं तो आप क्या भाव के साथ पूजा भक्ति से आप उतना लाभ नहीं उठा सकते, तो आपको उतना लाभ मिल सकता है। बहुत सारे लोग वर्किंग होते हैं, कुछ किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, कोई ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारे लोग जो है वो व्रत नहीं रख पाते हैं, लेकिन क्या उन्हें फल नहीं मिलेगा? कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज और कुछ तरीके अगर आप अपनाते हैं तो आपको भी उतना ही लाभ मिलता है। लेकिन कई बार व्रत रखने वालों को उपाय नहीं लाभ मिलता, क्योंकि वो अपनी चूक कर जाते हैं, कुछ गलतियां कर जाते हैं व्रत रखने के दौरान। और व्रती को एकदम सात्विक के साथ साथ अच्छे शुद्ध विचारों का भी होना चाहिए, तभी व्रत फलित होते हैं। अब व्रत रखा तो गालियां निकाल दी दूसरे को, व्रत रखा तो दूसरों का परेशान करने का एक मकसद तैयार कर लिया, व्रत रखा लेकिन इधर से उधर लगा दी आग, व्रत रखा घर के बुजुर्गों का निरादर कर दिया, डिसरिस्पेक्ट कर दिया, बच्चा सामने आया तो झाड़ दिया एक करके। तो ये व्रत क्या आपको लगता है ऐसे व्रत चलते हैं? या व्रत रखा तो सिर्फ दिखावे का रख दिया, व्रत रखा तो दिखाया तो बहुत पूजा भक्ति लेकिन करने में ठन ठन गोपाल। तो क्या व्रत मीन्स क्या? अपनी एनर्जी समेटना, संभाल करके रखना, सात्विक रहते हुए शुद्ध विचारों का होना, ये व्रत होता है। किसी को परेशान नहीं करना, खुद भी परेशान नहीं होना, तो स्वयं भी तो परेशान नहीं होना, क्योंकि आपको स्वयं भी तो अपना चित्त जो है वो शांत रखना, तभी तो व्रत का आपको लाभ मिलेगा। तो व्रती को खास करके बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन ये अपरा एकादशी का व्रत जो है अगर आप रख पाए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रख पाते हैं तो कुछ उपाय हैं उसे ज़रूर कीजिएगा। भाई ये एकादशी कब पड़ रही है? 15 मई को जो अपरा एकादशी की जो तिथि की शुरुआत हो रही है वो सुबह सुबह तड़के ये हो रही है 2:47 पर, यानी 2:47 अर्ली मॉर्निंग 15 मई का। और ये एकादशी जो समाप्त होगी, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ हो गई, लेकिन एकादशी जो समाप्त होगी वो 16 मई को 1:04 सुबह में ख़त्म हो जाएगी। और ये एकादशी जो व्रत है ये आपको किस दिन रखना है? ये आपको 15 को रखना है, क्योंकि सूर्य उदय जब 16 तारीख का होगा तो उस समय तक तो एकादशी तिथि तो समापन हो जाएगी। तो आपको जो एकादशी का व्रत करना है, अपरा एकादशी का व्रत करना है, वो अपने 15 को करना है, ना कि 16 को। और कई बार कहते हैं ना कि 12 के बाद कहते हैं कि दिन बदल जाता है तो उस समय एकादशी रखते हैं, नहीं वहाँ नहीं रखना, अपने ये व्रत 15 का ही रखना है और 16 को इसका पारण करना है, यानी इसे कंप्लीट करना है। परहेज प्रिकॉशंस आपने 14 की संध्या के बाद से शुरू कर देने हैं, यानी 14 का जो सूर्य अस्त होगा उसके बाद से आपने प्रिकॉशनरी चीज़ें जो है करना शुरू कर देनी है। फिर आती है कि अपरा एकादशी का व्रत कहते हैं कि स्वास्थ्य आपका उत्तम करता है। कुछ ऐसे रोगी व्यक्ति होते हैं
वो व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन घर का कोई भी एक सदस्य इस व्रत को रख सकता है और श्री हरि के आगे अपनी अर्जी लगाते हुए, हाथ में जल लेते हुए, जमीन पर उस जल को छोड़ते हुए कि ये मेरी इस रखी हुई एकादशी का पूर्ण फल हमारे इस पर्सन के लिए, इस व्यक्ति विशेष को देना। इससे पूरा फल उनको, उस व्यक्ति को मिलेगा जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। वो व्रत नहीं रख सकते, लेकिन रोग से मुक्त आप उसे करवा सकते हैं। कई बार किसी एक के कर्म दूसरों को बहुत सहयोग करते हैं ना, तो अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल दूसरों के लिए ज़रा, किसी और के लिए भी। तो कई बार हम चीज़ें अपने लिए ही करते हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर पाते। स्वार्थ, बहुत स्वार्थी हो जाते हैं ना, कि पूजा पाठ करें तो सारा फल मुझे ही मिल जाए, थोड़ा थोड़ा फल मेरे घर के लोगों को भी मिल जाए। ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा, जब अपना जहाँ पोजेसिव की बात आती है तो ज़्यादा फल बस मुझे ही मिल जाए, लेकिन वहाँ अगर हम किसी वाकई ही दूसरे को सहयोग करना चाहते हैं, तो यहाँ एक ऐसा मौका है जहाँ आप वाकई ही अपने कर्मों में सुधार करके किसी दूसरे की सही तरीके की सहायता कर सकते हैं। और कहते हैं किसी को जीवन दान देना और किसी का स्वास्थ्य के, उत्तम स्वास्थ्य का, रक्षा का वरदान दिलवाना, ये बहुत बड़ा कर्म होता है और ये बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। तो अब की बार अगर आपको लगता है कि घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपके खानदान में, आपके रिश्तों में भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अस्वस्थ है, आप एक व्रत रख करके उनके नाम का अगर ये व्रत संकल्पित कर देते हैं, तो उन्हें पूरा सहयोग मिलता है और उन्हें बीमारियों से मुक्त होने का एक रास्ता मिलता है। धन में वृद्धि करता है ये व्रत, आपकी जीवन की हर मुश्किल को आसान करता है ये व्रत, प्रॉपर्टी, संपत्ति, खुशियाँ, इज्जत, मान, शोहरत, अपार धन, अपार सुख देता है ये व्रत। अगर आप ये व्रत करते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर ये व्रत नहीं करते हैं तो एक महा उपाय है, इसे आप ज़रूर कर लीजिए। और इनफैक्ट इस वीडियो को अगर आप चाहें तो बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी, जो लोग नहीं व्रत कर पाते हैं, तो एटलीस्ट वो इस उपाय को करके अपने जीवन की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। अन्न, सात तरह का अन्न, लेकिन उसमें चावल नहीं होने चाहिए। सात तरह के अन्न का दान कीजिएगा और किसी ऐसे व्यक्ति को दान दीजिएगा जिसे वाकई ही आपके दान की ज़रूरत है। एकादशी के दिन, अपरा एकादशी के दिन आपने संकल्प लेना है और उस व्यक्ति के लिए संकल्प लेना है कि जो व्यक्ति आपके घर के अंदर किसी बैड अवस्था में, बुरी अवस्था में है, चाहे वो बीमारी के चलते हो, चाहे वो नशे की ओर हो, कैसे कुछ बच्चे नशे की तरफ झुकाव हो जाता है, उसे दूर मुक्त करने के लिए आपने संकल्प लेना है कि आप लगातार चार एकादशियां व्रत रखेंगे और उसमें से एक एकादशी होगी अपरा एकादशी। जैसे वैशाख महीने की एकादशियां रख ली, फिर ज्येष्ठ महीने की, ऐसे एकादशी, टोटल फोर एकादशी रखनी है आपने, लेकिन अपरा एकादशी उसके बीच में ज़रूर आनी चाहिए कि आने वाले साल में आप ये चार व्रत ज़रूर रखेंगे और उसमें से एक व्रत जो होगा वो अपरा एकादशी का होगा। तो यकीन मानिए, अगर आप ये संकल्प लेते हैं, श्री हरि के आगे एक अर्जी लगाते हैं, घर का वो व्यक्ति तामसिक चीज़ों से दूर होना शुरू हो जाएगा और निरोगी काया भी मिलेगी और स्वस्थ भी रहेंगे और प्लस आपके कर्मों में सुधार भी होगा। अच्छे विचार रखिए, शुद्ध विचार रखिए, शुभ विचार रखिए जब भी आप व्रत करते हैं। व्रत का पूरा पालन करना चाहिए, सारी विधि विधान का पालन करना चाहिए और बहुत ही शांत मन से आपको व्रत रखना चाहिए। सो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार करें।
तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।